हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ग्राफिकल मेथड की हेल्प से यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर रहे किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन की इक्वेशंस फाइंड करना, या मैं यूं कहूं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है तो उसकी मोशन की इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड की हेल्प से कैसे ड्राइव किया जाता है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या है। द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोथ रिमेन कॉन्स्टेंट। अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसके एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के दोनों कॉन्स्टेंट रहे तो उस ऑब्जेक्ट की मोशन कैसी होती है, वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होती है। सिंपल सी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उसकी मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कब होगी, जब उस ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या रहे, कांस्टेंट रहे। देखिए कैसे, यहां एक ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पर बच्चों मूव कर रहा था, मैंने ए पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी देखी जो है 10 मीटर पर सेकेंड। अब वो बच्चों ऐसे गया बी पर, जब बी पर पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, और ए से बी तक जाने के अंदर उसने टाइम लिया बच्चों 2 सेकंड। अब बी से वो गया, मैंने उसकी वेलोसिटी देखी 30 मीटर पर सेकंड, और यहां पर भी उसने बी से सी तक जाने में टाइम लिया 2 सेकंड। अब बच्चों वो सी से डी तक गया और डी पर जब पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड और उसने टाइम लिया 2 सेकंड। डी से बच्चों वो ई तक पहुंचा, वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड और उसने टाइम लिया 2 सेकंड। अब अगर मैं एक्सेलरेशन फाइंड करूं बच्चों, एक्सेलरेशन फाइंड करूं कब, जब ए टू बी के लिए। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी 20, इनिशियल 10, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, मतलब इस बीच में जितना भी टाइम लिया है 2 सेकंड, तो ये कितना आएगा, 10/2 = 5 m/s². अगर बच्चों मैं एक्सेलरेशन फाइंड करूं बी टू सी का तो देखिए कितना आएगा, फाइनल वेलोसिटी 30 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 20 अपॉन में टाइम, टाइम कितना लिया 2 सेकंड, ये कितना आया 10/2 = 5 m/s². अगर बच्चों मैं एक्सेलरेशन देखूं सी टू डी तो देखो, फाइनल वेलोसिटी 40 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 30/2 = 10/2 = कितना, 5 m/s². बच्चों आया कि नहीं, बिल्कुल आया। अगर मैं एक्सेलरेशन देखूं बच्चों डी टू ई तो देखिए, फाइनल वेलोसिटी 50 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 40/2 = 10/2 कितना आया, 5 m/s². इट मींस हर बार देखिए एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड वेरी नहीं कर रहा और वो ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जब भी ऐसा हो कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है और उसके एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे, उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट रहे, तो उस ऑब्जेक्ट की मोशन को कैसा बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। उस ऑब्जेक्ट की मोशन को क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन बोलने वाले हैं। फिर देखिए यहां पर एक नोट लिख करके हमने एक बात लिखी है, क्या है कि द ग्राफ ड्रॉ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम इज ऑब्टेन स्ट्रेट लाइन। जब भी कभी बच्चों ग्राफ प्लॉट किया जाएगा किसके बीच में, वेलोसिटी और टाइम के बीच में, तो वो आपको कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट बात है, द एरिया बिलो द वेलोसिटी टाइम कराओ रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। बहुत ही अच्छी बात, जो वेलोसिटी टाइम कर्व होता है ना, उस कर्व के बिलो एरिया मतलब उसके नीचे का सारा एरिया किसे रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। बहुत ही अच्छी चीज है, प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में बात करके आया हूं कि वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ होता है उसका एरिया किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। ये चीजें हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, इस चीज को अगर बहुत ज्यादा डीपली समझना चाहते हो तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा।
इसके बाद में बच्चों हम बात करते हैं हमारे टॉपिक पर, मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है तो उसके लिए ग्राफिकल मेथड की हेल्प से मोशन की इक्वेशंस को कैसे ड्राइव किया जाता है। देखिए मैं सबसे पहले यहां पर प्लॉट करता हूं एक ग्राफ। ये जो एक्स एक्सिस है बच्चों, इसमें मैंने टाइम को रिप्रेजेंट किया है, वाई एक्सिस में मैंने वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया है, और ये है यहां पर ओ। सबसे पहले देखिए बच्चों, मैं बात करता हूं इफ टाइम t1 की वैल्यू जीरो हो देन वहां पर वेलोसिटी v1 होगा u, मतलब इनिशियल टाइम जीरो है तो इनिशियल वेलोसिटी u है। अगर मैं बात करूं इफ फाइनल टाइम t2 है देन वेलोसिटी v2 कितना होगा, v होगी। ये चीज समझ में आई बच्चों? अगर टाइम जीरो है यहां पर है तो वेलोसिटी है बच्चों u, अगर टाइम टी हो गया यहां पर तो वेलोसिटी इंक्रीज होकर के कितनी आ गई, वी। ये वी है ये वेलोसिटी है वी, समझ में आई होगी बात बच्चों। और ये जो है ना, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये जो ए से बी तक है ये है वेलोसिटी टाइम कर्व, और इस वेलोसिटी टाइम कर्व के जो नीचे का सारा एरिया है ना बच्चों, वो सारा का सारा एरिया किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सारा का सारा एरिया, ये वेलोसिटी टाइम कर्व के नीचे का एरिया वो किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले यहां की बात करता हूं, इनिशियल टाइम जीरो, इनिशियल वेलोसिटी यू, फाइनल टाइम टी, फाइनल वेलोसिटी वी। तो यहां पर तो बच्चों मैं क्या फाइंड करता हूं, एक्सीलरेशन फाइंड कर सकता हूं। एक्सीलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। एक्सीलरेशन का आपने वीडियो प्रीवियस वीडियो चेक की होगी, एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो यहां पर मैंने वो चीज लिख दी है, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आई, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। यहां देखिए आप इस t का इधर मल्टीप्लाई करता हूं तो इट इज इक्वल टू आ गया v माइनस u इक्वेशन फर्स्ट। अगर मुझे v की वैल्यू चाहिए तो यह आएगी u प्लस ए टी, बच्चों u को इधर लेकर के गया तो सिंबल चेंज हुआ, और ये जो इक्वेशन है सेकेंड, इसे इक्वेशन को बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन की बच्चों हम लोग तीन इक्वेशन यहां पर ड्राइव करेंगे, उसमें से फर्स्ट इक्वेशन को ड्राइव कर लिया है जो कि आई है v इज इक्वल टू यू प्लस है at। अब मैं बात करता हूं बच्चों आगे कि ये जो बात करेंगे एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया है वो इक्वल रहेगा डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस के, एस के इक्वल रहेगा। और एरिया कौन सा है बच्चों, ये वाला सारा एरिया। इस एरिया को फाइंड करना चाहते हो तो मैं यहां पर ओ से सामने मिलाया सी पर, इस पॉइंट को नाम दिया मैंने डी। ये जो सारा एरिया है वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा सबसे पहले इस रेक्टेंगल ओ ए सी डी के इक्वल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी प्लस बेटा किसका एरिया आएगा, ट्राइंगल का, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है बच्चों, अगर रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है तो फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेंथ। तो बच्चों ये लेंथ है जीरो से यू, तो ये यू लेंथ है तो यू इनटू बच्चों ब्रेथ है जीरो से टी, तो टी है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ गया, यू इनटू टी। अब बात करता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये होता है बच्चों हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है बच्चों, यहां ए से सी जो किसके इक्वल है, ओ से डी जो है टी, इंटू ये हाइट बी से सी। बच्चों हाइट कैसे आएगी, अगर जीरो से ये वाला पॉइंट की हाइट वी है और यहां की यू है, तो बी सी कितना रहेगा, इस पूरे वी में से यू माइनस कर दूं तो मेरे पास बी सी आ जाएगा वी माइनस यू, तो यहां पर आ जाएगा v माइनस यू। अब बच्चों मैं वैल्यू पुट करता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मैंने फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू पुट की, देखिए कैसे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी इंटू वी माइनस यू की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से रखी बच्चों कितनी, ए टी। तो
s इज इक्वल टू कितना आया, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। और ये जो बच्चों इक्वेशन है थर्ड, इसे बोलते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। समझ में आया कि नहीं बच्चों? अब बात करता हूं मैं आगे। अब मैं इस थर्ड इक्वेशन में वैल्यू पुट करता हूं t की, पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड। अब इस थर्ड इक्वेशन में मैं t की वैल्यू को पुट करता हूं, देखिए कैसे क्या वैल्यू आएगी। s इज इक्वल टू है u इंटू टी। अब t की वैल्यू कौन सी पुट करनी है बच्चों, में यहां से इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू पुट करूंगा t की, तो t की वैल्यू कितनी आएगी, v माइनस यू अपॉन ए, तो u इंटू वी माइनस यू अपॉन कितना आ जाएगा, a प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर है, तो बच्चों प्लस हाफ ए टी इंटू दूसरे t की वैल्यू रखी कितनी आई बच्चों, v माइनस यू अपॉन ए। अब देखिए s इज इक्वल टू यू वी माइनस यू अपॉन ए प्लस ए टी इंटू वी माइनस यू अपॉन टू ए। अब बच्चों जो ए टी है उसकी वैल्यू भी तो इक्वेशन फर्स्ट से आ सकती है, कितनी, v माइनस यू, मैं यहां पर पुट करता हूं v माइनस यू, तो s इज इक्वल टू आया u v माइनस यू प्लस v माइनस यू की होल स्क्वायर अपॉन टू ए। इधर था a बच्चों, एलसीएम आया कितना 2a, तो इधर आ गया 2u v माइनस यू प्लस v माइनस यू की होल स्क्वायर s के इक्वल। अब बच्चों मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, 2u का अंदर मल्टीप्लाई किया 2uv, 2u का u से मल्टीप्लाई किया माइनस का 2u स्क्वायर, स्क्वायर बच्चों को ली v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन में कितना है 2a। इससे ये कट आउट हुआ, s इज इक्वल टू कितना बच्चों, प्लस का है v स्क्वायर माइनस का 2u स्क्वायर प्लस का u स्क्वायर, तो माइनस का u स्क्वायर अपॉन 2a। इनका मल्टीप्लाई किया तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर कितना आया बच्चों 2as, और v स्क्वायर की वैल्यू आ गई u स्क्वायर प्लस 2as। ये जो इक्वेशन आई है बच्चों फोर्थ, इसे बोलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बच्चों आज की वीडियो में आप लोगों ने क्या देखा, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है तो उसके मोशन की इक्वेशन ग्राफिकल मेथड से कैसे ड्राइव की जाएगी। आपने तीनों इक्वेशंस ड्राइव की, पहली इक्वेशन है v is equal to u plus at, second s is equal to ut plus half at square, and third है v square is equal to u square plus 2as। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।